तो करते हैं इन्वर्टर वायरिंग। इस वायर को इस तरह से पहले खोल छील के पहले देख लेना, ये मेरा इन्वर्टर वायर है, इसमें देख लीजिए दोस्तों टेस्टर फुल शो कर रहा है। और ये वाला टर्मिनल को इस तरह से फेच और यहाँ पे इंडिकेटर का जो टर्मिनल है दोस्तों फेच डाला हुआ है, तो फेच एक ही वायर होता है। तो दोस्तों पहले इस तरह से इंडिकेटर के दिशा से खोल लेना है, इस तरह से यहाँ से इंडिकेटर के साइड से इस तरह से खोल लेना है और ये वाला वायर को वहाँ से भी हटा देना है जहाँ से कनेक्शन किया हुआ है। इसमें वाली दोस्तों फेच वाला वायर डालना है क्योंकि इस बोर्ड में टोटल चीज़ में इन्वर्टर रहेगा और उस वायर में बिजली रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो बोर्ड को हम पहले ओपन कर लेते हैं, इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, दिखाएंगे आपको इन्वर्टर वायरिंग किस तरह से किया जाता है। इस तरह से बोर्ड को ओपन कर लेना है, ओपन करके दोनों नट को पहले दोस्तों खोल लेना है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर जरूर कर लें और घंटी का निशान जरूर दोस्तों जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह से नट को पहले दोनों नट को खोल लेना है, ये दोनों नट को अच्छा से खोल लेना है। अभी एक साइड का नट मेरा खुल चुका है, दूसरा साइड का नट हम खोल रहे हैं। इस तरह से बारी बारी से नट खोल लेना है। इस तरह से हम नट खोल दिए दोस्तों टोटल, इस तरह से आप चलिए दोस्तों इसमें करते हैं हम इन्वर्टर वायरिंग। देख लीजिए दोस्तों ये मेरा फेच कहाँ पे जुटा हुआ है और ये मेरा इन्वर्टर का वायर है। देख लीजिए दोस्तों इसमें टेस्टर मेरा शो हो रहा है, पहले टेस्टर से आप चेक जरूर करें। इस तरह से पहले इन्वर्टर वायर को कट कर लेना है दोस्तों, देख लेना है इसमें लाइट है, ये देख लीजिए लाइन है। तो दोस्तों यहाँ जो फेच वायर जुटा हुआ है, ये फेच वायर को दोस्तों पहले हमको खोल लेना है। देख लीजिए ये इंडिकेटर जो है मेरा, इंडिकेटर में एक वायर जो है इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ये वायर को पहले इस तरह से इसको पहले इंडिकेटर से निकाल लेना है दोस्तों। इसमें डायरेक्ट फेच वायर डालना है और ये वाला टर्मिनल से इस वायर को खोल देना है, ये वाला टर्मिनल से इस वायर को खोल देना है। अब दोस्तों ये फेच वायर को भी इस तरह से इस टर्मिनल से हमको खोल लेना है, इस तरह से। तो दोस्तों फेच वायर निकाल के हटा देना है वहाँ से। अभी फेच वायर हटा दिया तो दोस्तों फेच वायर को ये इंडिकेटर वाला टर्मिनल में इस तरह से हमें जोड़ना है, ये इंडिकेटर वाला पहले इंडिकेटर वाला टर्मिनल में जोड़ेंगे दोस्तों। इसको इस तरह से प्लास से अच्छा से घुमा लेना है, पूरी तरह से इस तरह से घुमा के पहले जोड़ लेना है अच्छा से। मुंह को जितना भी फुसरा फुसरी साइडर तार है दोस्तों इसे कट कर लेना प्लास से और इस तरह से प्लास की मदद से एमेट लेना है। और एमेट के ये वाला टर्मिनल इंडिकेटर का जो टर्मिनल है दोस्तों देख लीजिए, एक टर्मिनल में जो फेच आता है, फेच वाला टर्मिनल में हमें डाल देना है इस तरह से, फेच वाला टर्मिनल में हमें डाल लेना है दोस्तों। ये मेरा फेच वाला टर्मिनल इस तरह से डला गया। तो अब दोस्तों इसमें इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इन्वर्टर कनेक्शन करना, आप लोग अपने घर में इन्वर्टर कनेक्शन इजुअली कर सकते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए मेरा इन्वर्टर कनेक्शन, अभी ये वाला टर्मिनल में इन्वर्टर कनेक्शन, यहाँ पे हमको फेच खोल के यहाँ पे इन्वर्टर वायर डाल देना है और इस तरह से दोनों नट जो हम खोले हुए थे दोस्तों, दोनों नट को पूरी तरह से हमें टाइट कर लेना है। इस तरह से हम टाइट कर लिए तो दोस्तों इस तरह से मेरा काम इन्वर्टर वायरिंग हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारे वीडियो अच्छे लगे, तो थोड़ा वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान दोस्तों दबाना ना भूलें, घंटी का निशान जरूर दबा दें। दोस्तों आपको अगर इन्वर्टर लगाने के लिए भी नहीं आता तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप इस पर जाके विजिट करके हाउस वायरिंग सीख सकते हैं। इस तरह से इनर को लगा देना है, इनर जो होता है दोस्तों जिसको हम आउटर बोलते हैं, नट टाइट करके आउटर को लगा दिया। तो दोस्तों ये मेरा इन्वर्टर कनेक्शन का फुल प्रोसेस था। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।